लुक एट हियर। सो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो है मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फिल डिफेक्ट ट्रांजिस्टर। मतलब फिल डिफेक्ट ट्रांजिस्टर का ही एक पार्ट है ये, लेकिन ये इसमें मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर का यूज करते हैं हम लोग, तो इसलिए इसका नाम मॉस्फेट पड़ा। अगर आप पिछली क्लास को ध्यान पे रखोगे तो उसमें हमने फेट के एफईटी फील्ड डिफेक्ट ट्रांजिस्टर्स के जो यहाँ पे है फील्ड डिफेक्ट ट्रांजिस्टर की हमने बहुत सारे पार्ट के बारे में बताया था आप लोगों को कि कौन उसको हम लोग एक बार दोबारा मैं रिकॉल कर दे रहा हूँ। तो अगर आप इसको ध्यान पे से देखोगे आप तो आपको पता चलेगा कि एफईटी को हमने पहले इसके पहले वाले क्लास में जेफेट के बारे में पढ़ा है ना कि जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर्स क्या होता है। तो जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर में हमने एन चैनल पढ़ा था और उसका जस्ट रिवर्स पी चैनल हो जाता है। जैसे पी चैनल का मतलब हो गया जहां पे एन था उसको पी और पी था वहां पे एन हो जाएगा, और जहां पे इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो हो रहा था वहां पे पी चैनल के केस में होल्स का फ्लो हो जाएगा। अब हम लोग मॉस्फेट में आते हैं। तो मॉस्फेट में हम लोगों को जो है वो दो टाइप के मॉस्फेट पढ़ने हैं, वो है डिप्लीशन टाइप मॉस्फेट और इनहेंसमेंट टाइप मॉस्फेट। ओके, तो आज जो हम कोशिश करेंगे कि दोनों कवर करें अगर पॉसिबल हो पाता है तो, लेकिन आज हम लोग डिप्लीशन टाइप मॉस्फेट का एन चैनल कवर करने की कोशिश करेंगे, और अगर पॉसिबल होगा तो हम उसी को कंपेयर करते हुए एन चैनल इनहेंसमेंट टाइप मॉस्फेट को भी कवर करेंगे। या सो इंट्रोडक्शन टू मॉस्फेट, जैसे हमने जेफेट पढ़ा था उसी तरीके से हम मॉस्फेट को थोड़ा सा हम इसका ब्रीफ इंट्रोडक्शन देखेंगे। तो जैसे मैंने बताया था कि एफईटी को यानी कि फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर्स को हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, जेफेट एंड मॉस्फेट। तो जेफेट का मतलब हो गया जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, और मॉस्फेट का हो गया ये पहले तीन लाइन मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। अच्छा, अब मॉस्फेट को फर्दर हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करते हैं जो कि डिप्लीशन टाइप और इनहेंसमेंट टाइप होता है। दोनों में क्या डिफरेंस होगा हम आगे पढ़ेंगे तो बताऊंगा मैं। इसके बाद अब इसमें क्या है कि इसका नाम मॉस्फेट क्यों पड़ा, क्योंकि इसमें मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर का यूज करते हैं। ठीक है, जैसे हम कंस्ट्रक्शन पे जाएंगे तो इसको इसके बारे में थोड़ा सा मैं ये करूंगा, इसलिए इसका लेबल नाम पड़ा मॉस्फेट स्टैंड फॉर मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। अब आते हैं एडवांटेज क्या है मॉस्फेट का, तो इस बात को ध्यान समझना, बहुत लोगों के दिमाग में डाउट होगा कि इतने सारे क्यों पढ़ रहे हैं हम लोग, ये भी एक ट्रांजिस्टर है, ये भी एक एम्पलीफायर की तरह और बाकी सब चीजों की तरह हम काम करा सकते हैं। तो मॉस्फेट अभी सबसे ज्यादा यूज किया जाता है बीजेटी एंड जेफेट के कंपेयर में, क्योंकि इसका एप्लीकेशन सबसे ज्यादा वीएलएसआई सर्किट में होता है, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन सर्किट में। क्यों? क्योंकि इसका जो स्पेस है ये बहुत ही स्मॉल साइज में बना सकते हैं, इसीलिए बहुत कम स्पेस ऑक्यूपाई करता है ना, तो इसलिए स्मॉल सिलिकॉन चिप पे ज्यादा से ज्यादा हम सर्किट को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। इसके बाद इसका मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस भी बहुत सिंपल होता है, इसकी वजह से हम इसको ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं। और तीसरी जो पार्ट आप लोगों से रिलेटेड है, थोड़ा कंप्यूटर साइंस रिलेटेड, डिजिटल लॉजिक में या मेमोरी फंक्शन में इसको इंप्लीमेंट कर सकते हैं बिना रजिस्टर एंड डायोड का यूज किए हुए। ओके, एंड देन आफ्टर इसका एप्लीकेशन जो है वो देख आप देख सकते हो कि माइक्रो प्रोसेसर्स में, मेमोरी चिप्स में एंड एनालॉग आईसीज वगैरह में सबसे ज्यादा यूज करते हैं। इस वजह से हमें मॉस्फेट का यूज जो है वो ज्यादा करना पड़ता है, ज्यादा आज के डेट में हो रहा है। और दूसरी बात, मॉस्फेट जो है वो प्रेफरली एक फेट का ही टाइप है, लेकिन इसकी थोड़े कुछ बेनिफिट्स हैं ओवर द बाकी ट्रांजिस्टर्स। ओके, नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे के स्लाइड्स पे। ओके, तो इस स्लाइड में हम लोग थोड़ा सा बात करेंगे इसके कंस्ट्रक्शन पार्ट की तरफ। कंस्ट्रक्शन मतलब जस्ट थोड़ा सा बेसिक देखने की कोशिश करो। आप देखिए कंस्ट्रक्शन पार्ट देखिए आप लोग क्या किया गया है, ये जो ब्लू वाला रीजन्स है उसको देखें, तो ब्लू वाला रीजन्स को हमने पी का सबस्ट्रेट लिया हुआ, पूरा यहां से लेके यहां तक पी है, पूरा ये ब्लू जो रीजन्स है वो पी सबस्ट्रेट है। इस पी सबस्ट्रेट का मतलब पी का बेस लिया हमने, और उसमें दो एन टाइप के, जैसे हमने उसमें किया था जेफेट में जस्ट इसका अपोजिट था, तो ये जो रेड कलर का जो रीजन्स है, इस रेड कलर के रीजन्स में दो एन टाइप के मटेरियल को हमने डिफ्यूज किया हुआ है। ओके, एंड इसके बाद एक और रीजन से जो ब्लू कलर का यहाँ रेड लाइन से दिखा रखा है, यहाँ से यहाँ तक का जो रीजन है ये भी एन टाइप का एक रीजन है, जिसको कि हम लोग एन चैनल बोलते हैं। अगर आप ये देखोगे ये लाइन यहाँ से, तो इसको एन चैनल बोला गया। तो दो एन टाइप के सेमीकंडक्टर के मटेरियल के बीच में एक लाइन यहाँ पे यानी कि एक चैनल बनाया गया है जो कि एन चैनल कहलाता है। अच्छा, और यहाँ पे देखिए SiO2 लेयर, SiO2 का मतलब हो गया सिलिकॉन डाइऑक्साइड की एक लेयर बनाई गई है, कहाँ पे, जस्ट पी सबस्ट्रेट के लास्ट में, है ना।
और ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, अगर आप नोट ये करोगे तो इसको लिखना जरूरी है, इसको मेंशन करना जरूरी है। SiO2 करता क्या है? SiO2 एक तरीके से डायलेक्ट्रिक का काम करता है, मतलब इंसुलेटर का काम करता है। तो इंसुलेटर की इसकी लेयर काफी पतली होती है, मतलब बहुत ही पतली होती है, ताकि जो है वो इसके साथ इसका मतलब गेट का और इस सबस्ट्रेट का कोई अटैचमेंट ना हो। नाउ अब क्या करते हैं हम लोग, इस एन टाइप के साथ एक मेटालिक कॉन्टेक्ट इस्टेब्लिश करते हैं। आप देख सकते हो ये ब्लैक कलर का जो रीजन है वो बिल्कुल एन से कनेक्टेड है, और ये सबसे ऊपर वाला पार्ट जैसे उसमें होता था उस तरीके से इसमें ड्रेन रखते हैं। ओके, सोर्स को भी हम डायरेक्ट एन से कनेक्ट करते हैं, एन से। देखिए इसमें डायरेक्टली ब्लैक वाला पार्ट जो है डायरेक्टली एन से कनेक्टेड है, और उससे जो बनता है सबसे नीचे उसको हमने सोर्स रखा हुआ है। लेकिन गेट रीजन का ध्यान से देखिएगा, गेट रीजन जो होता है वो सिर्फ SiO2 लेयर से कनेक्टेड है, यानी कि ये इसका कनेक्शन इसके साथ नहीं है, है ना। तो ये इसका मतलब है कि इंसुलेटेड है सबस्ट्रेट के साथ, इसीलिए इसका नाम IGFET भी कहलाता है। IG मतलब इंसुलेटेड गेट, IGFET IG इंसुलेटेड गेट्स को बोलते हैं, और FET मतलब फिन फेक ट्रांजिस्टर। इसका मतलब गेट जो है वो इंसुलेटेड है किसके साथ, आपके ये सबस्ट्रेट के साथ या किसी भी सेमीकंडक्टर के साथ, है ना। इस तरीके से तीन बना, इसका भी वही मतलब है, सोर्स का मतलब सोर्स ऑफ कैरियर्स, ड्रेन का मतलब जहां पे कि वो कलेक्ट होगा यानी कि ड्रेन तक जाएगा, और गेट जो है कि वो कंट्रोल का काम करेगा। यहाँ पे एक सबस्ट्रेट को भी हमने एक ये दे रखा है, कनेक्शन दिया जाता है जनरली, लेकिन सबस्ट्रेट एंड सोर्स मोस्ट ऑफ द केसेस आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं। इस तरीके से जब हम वर्किंग भी पढ़ेंगे तो ये आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं, यानी कि सबस्ट्रेट पे जो पोटेंशियल होगा वही पोटेंशियल हमारे नीचे वाले सोर्स का होगा। तो ये हमारा कंस्ट्रक्शन पार्ट हो गया, यानी कि सबसे पहले मेन पार्ट को हमने सबस्ट्रेट लिया, इसके बाद हमने एक यहाँ के इस फिगर के हिसाब से अपर एंड लोअर पोर्शन पे एन को डिफ्यूज किया, उससे हमने कनेक्शन एस्टेब्लिश किया, उसका ड्रेन एंड सोर्स हुआ, और बीच में जो कॉन्टेक्ट एस्टेब्लिश हुआ गेट का, जो कि सिर्फ SiO2 यानी कि सिलिकॉन डाइऑक्साइड के साथ ही कॉन्टेक्टेड है। अब चलते हैं हम लोग वर्किंग पार्ट की तरफ। इन द फर्स्ट वर्किंग केस व्हाट विल डू, विल सी दैट ऑपरेशन ऑफ एन चैनल डिप्लीशन टाइप मॉस्फेट। डिप्लीशन टाइप मॉस्फेट है क्यों है वो जब हम आगे बढ़ेंगे तो बताएंगे कि व्हाई इट इज कॉल्ड डिप्लीशन टाइप मॉस्फेट। सो इसका ऑपरेशन पहले तीन दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। पहला, जब VGS मैं जीरो रखता हूं, मतलब जी से एस के बीच में आप देखो कनेक्शन, यहाँ से यहाँ के बीच में जो कनेक्शन है वो शॉर्ट है, यानी कि VGS जो है वो जीरो है यहाँ पे। ओके, VGS की वैल्यू इज जीरो, एंड देन यहाँ पे जो हमने कनेक्शन दिया हुआ है वो VDS है, डी से एस के बीच में जो कनेक्शन है उसको हमने VDS दिया हुआ है। अब इन दोनों का कनेक्शन चेक कीजिए आप, तो जब VDS के बीच में कनेक्शन देखोगे तो यहाँ पे माइनस और ऊपर की तरफ प्लस, सिमिलर जैसा कि JFET में किया था। और ये जो टर्मिनल है वो एन टाइप का टर्मिनल है ना? Okay. So, similar to JFET, जैसे JFET देखा था उस तरीके से यहाँ पे भी हमने माइनस से प्लस कनेक्शन किया हुआ है, और यहाँ पे नीचे वाला पोर्शन में एन टाइप की सेमीकंडक्टर मटेरियल है, ऊपर की तरफ भी एन टाइप का सेमीकंडक्टर मटेरियल है। तो आप देखोगे नीचे माइनस से अगर हम ये देखें तो यहाँ भी कनेक्शन करीब करीब माइनस का आएगा, तो माइनस और माइनस ये जो रीजन होगा एक तरीके से फॉरवर्ड बायस हो जाएगा, लेकिन अपर वाला जो रीजन होगा वो रिवर्स बायस की तरफ बिहेव करेगा। लेकिन दूसरा काम क्या होगा, क्योंकि माइनस एंड माइनस ये पूरा यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स के सोर्स हैं, ये यहाँ से लेके यहाँ तक एन टाइप का रीजन है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो माइनस एंड माइनस की वजह से इलेक्ट्रॉन का क्या होगा, रिपल्सन होगा। यानी कि अगर मैं VDS की वैल्यू को बढ़ाऊंगा तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स जो है वो रिपेल होके किधर की तरफ जाएंगे, ड्रेन की तरफ जाएंगे, और इसकी वजह से जो ग्रीन लाइन दिख रही है आप लोगों को, करंट का फ्लो अपोजिट डायरेक्शन में होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो ये देखो ब्लैक लाइन से दिखा रखा है, इलेक्ट्रॉन्स ऊपर की तरफ फ्लो हो रहे हैं, तो हमारा जो करंट का फ्लो जो होगा वो नीचे की तरफ होगा इस तरीके से। ओके, नाउ ये तो पहला पार्ट हो गया, ऑपरेशन विद VGS इज इक्वल टू जीरो। ओके, तो यानी कि पॉजिटिव जब मैंने वोल्टेज VDS अप्लाई किया, पॉजिटिव VDS का मतलब हो गया नीचे की तरफ माइनस ऊपर की तरफ प्लस। सबस्ट्रेट देख सकते हो आप, सबस्ट्रेट जो है वो इंटरकनेक्टेड है सोर्स के साथ, और सोर्स यहाँ पे हमने ग्राउंड कर रखा है, यानी कि सोर्स जो है वो जनरली निगेटिव पोटेंशियल पे दे रखा हमने। तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स, ये वर्किंग इस तरीके से हो गई कि जैसे जैसे मैं यहाँ पे VDS की वैल्यू, यहाँ पे मैं अभी गेट से और सोर्स को कोई कंट्रोल नहीं कर रहा हूँ, यानी कि VGS से मैं इसको कंट्रोल नहीं कर रहा हूँ, डायरेक्टली मैं VDS को यहाँ पे बढ़ा रहा हूँ, और उसकी वजह से क्या हो रहा है, करंट का फ्लो जो है वहां पे बढ़ रहा है। अच्छा, एक और टर्म मैंने आप लोग यहाँ पे यूज किया था कि VDS की वजह से नीचे वाला ये जो जंक्शन होगा, यानी कि यहाँ पे जो जंक्शन क्रिएट होगा वो एक इस तरीके, क्योंकि N और P है,
ये ब्लू वाला पी है और ये जो रेड का कलर जो है वो एन है, तो यहाँ भी एक जंक्शन क्रिएट होगा और यहाँ भी एक जंक्शन क्रिएट होगा, लेकिन अपर वाला जो जंक्शन होगा वो होगा रिवर्स बायस और नीचे वाला जो जंक्शन होगा वो क्या होगा फॉरवर्ड बायस। इसका मतलब क्या है कि जो यहाँ पे जो डिप्लीशन लेयर बनेगी वो ऊपर की तरफ ज्यादा और नीचे की तरफ कम बनेगी। इसका जिक्र मैं बाद में करूंगा, लेकिन अभी इतना समझ लीजिए आप लोग कि माइनस और यहाँ पे माइनस की वजह से इलेक्ट्रॉन का रिपल्सन होगा, इलेक्ट्रॉन्स ऊपर की तरफ जाएंगे। मैं VDS की वैल्यू को अगर बढ़ाऊंगा तो करंट की वैल्यू बढ़ेगी और ID जो होगा वो और ज्यादा तेजी से बढ़ेगा। ओके सो ऑपरेशन विथ VGS इज इक्वल टू नेगेटिव के साथ, मैं दोबारा से एक बार इसको रिपीट करता हूँ, जब भी मैंने यहाँ पे VGS इज इक्वल टू नेगेटिव रखा है, VGS की वैल्यू नेगेटिव रखी है यहाँ, तो क्या हुआ है VGS नेगेटिव रखने के साथ यानी कि ऊपर की तरफ, दोबारा मैं इसको ये दिखाऊं, ऊपर की तरफ क्या होगा माइनस और नीचे की तरफ हो जाएगा प्लस। ऊपर की तरफ जो है वो माइनस यानी कि ये बैटरी का माइनस टर्मिनल प्लस टर्मिनल, माइनस की वजह से यहाँ पे जो है वो माइनस इकट्ठे हो जाएंगे, माइनस का यहाँ पे चार्ज यहाँ पे अट्रैक्ट होगा और इसकी माइनस की वजह से जहाँ पे माइनस चार्ज डिप्लीट होगा SiO2 लेयर के पास में, माइनस की वजह से जो इसमें एन चैनल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं उनका क्या होगा वो दूर जाएंगे यानी कि बाहर की तरफ जाएंगे, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स जो होगा वो इलेक्ट्रॉन्स का जो होगा वो रिपल्सन होगा किसकी वजह से निगेटिव पोटेंशियल गेट की वजह से। लेकिन पी टाइप सबस्ट्रेट जो है वो पॉजिटिव टाइप है, इसमें नंबर ऑफ होल्स ज्यादा है तो पी टाइप यानी कि होल्स का अट्रैक्शन होगा बिकॉज ऑफ निगेटिव पोटेंशियल ऑफ गेट और इस तरीके से पी जो होल्स होंगे वो किधर की तरफ अट्रैक्ट होंगे। नाउ लुक एट हियर, अब इलेक्ट्रॉन्स बाहर जाने की कोशिश कर रहे हैं और होल्स जो है वो अंदर आने की कोशिश कर रहे हैं, इनकी वजह से क्या हो रहा है रिकम्बिनेशन हो रहा है यानी कि रिकम्बिनेशन जो सर्कल से दिखा रखा है, रिकम्बिनेशन की वजह से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या हो रहा है रिड्यूस हो रहा है, यानी कि इस एन चैनल में ये सिर्फ हमने ये पार्ट दिखा रखा है गेट वाला पार्ट है ना, बाकी सबको हटा के सिर्फ पी सब्सट्रेट एंड इंसुलेटेड ये SiO2 लेयर और गेट वाले पार्ट को दिखा रखा है। तो यहाँ पे जब मैं निगेटिव VGS डाल रहा हूँ माइनस से प्लस, तो इसकी वजह से क्या हो रहा है N चैनल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिड्यूस हो रहे हैं, किसकी वजह से रिकम्बिनेशन प्रोसेस की वजह से। ओके तो जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिड्यूस हो रहे हैं तो इसकी वजह से क्या होगा हमारे ID की वैल्यू भी क्या हो जाएगी वो रिड्यूस हो जाएगी। ये कंडीशन हो गई जब VGS हमने क्या किया निगेटिव किया, यानी कि VGS निगेटिव को मैं बढ़ाऊंगा यहाँ पे तो ID की वैल्यू क्या होगी डिक्रीज होगी और इसलिए इसको बोलते हैं डिप्लीशन टाइप MOSFET, यानी कि इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स यानी कि करंट की जो वैल्यू हो रही है वो रिड्यूस हो रही है। अच्छा सेम ये अब दूसरी बात एक और चीज बताया था मैंने कि D-MOSFET में डिप्लीशन MOSFET में दो मोड होते हैं डिप्लीशन मोड एज वेल एज इनहेंसमेंट मोड, तो ये जो हमारा मोड हो गया वो डिप्लीशन मोड हो गया यानी कि हमने VGS को जब मैं निगेटिव रखूंगा और ID की वैल्यू जब डिक्रीज होगी तो ये मोड कहलाएगा डिप्लीशन मोड। ओके और अब हम अगर इसी को मैं पॉजिटिव कर दूं यानी कि इस पोर्शन को मैं अगर पॉजिटिव कर दूं तो क्या हो जाएगा यहाँ पे निगेटिव की जगह पे क्या इकट्ठा हो जाएंगे पॉजिटिव चार्ज इकट्ठा हो जाएंगे और अब जो है इलेक्ट्रॉन्स का यहाँ पे रिपल्सन की जगह पे यानी कि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज इकट्ठा हो जाएंगे और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की रिपल्सन की जगह पे इलेक्ट्रॉन का अट्रैक्शन होने लगेगा यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इस चैनल में बढ़ जाएंगे। कब बढ़ेंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इस चैनल में जब हमने यहाँ पे VGS को क्या कर दिया पॉजिटिव कर दिया यानी कि ऊपर की तरफ प्लस और नीचे की तरफ माइनस, तो जब मैंने यहाँ पे VGS को पॉजिटिव किया पॉजिटिव VGS तो यहाँ पे क्या हो गया नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इस रीजन में क्योंकि जो सब पी टाइप सबस्ट्रेट है उसमें से भी कुछ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो इसके तरफ अंदर आएंगे और इनका अट्रैक्शन होगा और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है इसमें बढ़ जाएंगे और इसकी वजह से आईडी करंट जो हो जाएगी वो इंक्रीज हो जाएगी यानी कि इस कंडीशन को क्या हो रहा है इनहेंसमेंट हो रहा है इलेक्ट्रॉन का इनहेंसमेंट हो रहा है इसीलिए ये कंडीशन कहलाया इनहेंसमेंट मोड। यानी कि डी टाइप मॉस्फेट में दो मोड हो गए डिप्लीशन मोड एंड इनहेंसमेंट मोड। डिप्लीशन मोड और इसमें क्या है ड्रेन एंड ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन चैनल डिप्लीशन टाइप मॉस्फेट, तो ड्रेन का मतलब हो गया आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स और ट्रांसफर का मतलब हो गया इनपुट एंड आउटपुट के बीच में, यानी कि ट्रांसफर को हम गेट कैरेक्टरिस्टिक्स भी बोलते हैं। अब देखिए यहाँ पे डिप्लीशन टाइप मॉस्फेट की डिप्लीशन मोड में कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगी एंड इनहेंसमेंट मोड में ये क्या होगी, तो अब देखते हैं जब पहला कंडीशन यहां से यहां तक ध्यान देना यहां से लेके यहां तक ये पूरा मोड जो है वो VGS 0 से लेके निगेटिव तक है, ये पहला कंडीशन जो है वो VGS 0 का है और 0 से लेके निगेटिव यानी कि यहां से लेके यहां तक जो कंडीशन है वो यहाँ पे करंट रिड्यूस हो रही है
जैसे जैसे मैं VDS की देख लो, यहाँ पे VDS जीरो है तो करंट ये फ्लो हो रही है, ये VGS इक्वल टू माइनस रखा जैसे GFET में हो रहा था एग्जैक्टली वैसा ही, यहाँ पे जो है वो VGS अब यहाँ पे माइनस रखा तो करंट यहाँ रिड्यूस हो गया, फिर VGS इक्वल टू माइनस टू रखा तो करंट और रिड्यूस हुआ, और इस तरीके से VGS इक्वल टू मैंने माइनस सिक्स पे कर दिया यहाँ करंट जीरो, यानी कि VGS इक्वल टू यहाँ पे VT हो गया तो करंट यहाँ पे क्या हो गया जीरो हो गया। तो ये यहाँ से यहाँ तक का मोड कहलाएगा डिप्लीशन मोड, क्योंकि यहाँ पे VGS को मैंने जीरो से निगेटिव रखा, लेकिन जब मैं VGS पॉजिटिव रख रहा हूँ यानी कि यहाँ से ऊपर वाला पोर्शन, तो ये कहलाएगा इनहेंसमेंट मोड, यानी कि जब मैं VGS की वैल्यू को पॉजिटिव रख रहा हूँ तो करंट क्या हो रहा है इनहेंस हो रहा है, यानी कि इस केस में ये कंडीशन तो होती है ID is equal to IDSS, यानी कि जब मैं VGS रखूंगा तो ID की मैक्सिमम वैल्यू फ्लो होती है, लेकिन इनहेंसमेंट कंडीशन में कंडीशन ऐसी आती है जहाँ पे कि VGS को मैं पॉजिटिव करता हूँ तो करंट को मैं थोड़ा इंक्रीज कर सकता हूँ, और इसीलिए ये कहलाता है इनहेंसमेंट। ये है ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स, यहाँ भी ये रीजंस जहाँ फ्लैट रीजंस है वो सैचुरेशन रीजन होगा, ये सैचुरेशन रीजन है, ठीक है, ये इसके पहले वाला रीजन जैसे जेफेट में था उस तरीके से ये वाला रीजंस ओमिक रीजंस होगा जहाँ पे की करंट जो है वो इस तरीके से फ्लो हो रहा है, और बाद में जो है वो ब्रेकडाउन रीजंस होते हैं। अब इसी का अब यहाँ पे देखो VDS पॉजिटिव था इसलिए डायग्राम मैंने इस तरीके से ड्रॉ किया हुआ है, और वर्सेस ID ID वर्सेस VDS को हमने यहाँ पे ड्रॉ किया हुआ है। अब इसमें आईडी वर्सेस आईडी यानी कि आउटपुट करंट और VDS यानी कि आउटपुट वोल्टेज, इनपुट आउटपुट करंट वर्सेस आउटपुट वोल्टेज को ड्रॉ करते हैं, उसको ड्रेन या आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स कहते हैं। अब आते हैं ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स में, तो ट्रांसफर में करंट तो सिर्फ एक ही है आईडी इज इक्वल टू IS, क्योंकि एक करंट जो आईडी फ्लो रही है वही करंट IS है, आईजी तो जीरो है ना। तो इस कंडीशन में देखना, इस कंडीशन में यहां से यहां तक मैं क्या करूंगा, हर एक वैल्यूज के लिए यहाँ पे वैल्यू पुट करना शुरू करूंगा। तो VGS हमने यहाँ निगेटिव भी है और पॉजिटिव भी है, VGS यहाँ जीरो से लेकर निगेटिव तक यहाँ पुट कर दिया, और एक वैल्यू हमने पॉजिटिव की पुट कर दी, ये जीरो है। तो प्लस वन पे यानी कि जब VGS में प्लस वन रख रहा हूँ तो मेरी आईडी की वैल्यू ये आ रही है, जब मैं VGS जीरो रख रहा हूँ तो आईडी की वैल्यू मेरी ये मिल रही है, जब मैं VGS को माइनस वन रख रहा हूँ तो आईडी की वैल्यू मुझे इतना मिल रहा है, इससे VGS इक्वल टू माइनस टू पे करीब करीब आईडी मुझे ये मिल रही है, और इस तरीके से जब मैं VGS इक्वल टू वैल्यू को मैं रिड्यूस करते जा रहा हूँ तो माइनस सिक्स पे मुझे वैल्यू ये मिल रही है, और इसको मिलाते हुए मैं ग्राफ ड्रॉ करूंगा, ये कहलाएगा मेरा ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स। अब इस ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स को ध्यान से देखना, यहाँ से यहाँ तक का जो रीजन है वो किसका रीजन है, इनहेंसमेंट मोड का रीजन है, क्योंकि यहाँ पे करंट जो है वो इंक्रीज हो रही है, आईडी से ज्यादा करंट फ्लो हो रही है, और यहाँ से यहाँ तक का जो रीजन है वो हो गया डिप्लीशन मोड, यानी कि इस लाइन के इधर का जो रीजन है वो डिप्लीशन रीजन कहलाया, और इस लाइन से इधर का जो रीजन है वो इनहेंसमेंट रीजन कहलाया, क्लियर है। तो ये हमारी हो गई कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिप्लीशन टाइप MOSFET। डिप्लीशन टाइप MOSFET में दो पार्ट हुए, इनहेंसमेंट मोड एज वेल एज डिप्लीशन मोड, यहां से यहां तक का मोड डिप्लीशन मोड और यहां से यहां तक का मोड जो है वो इनहेंसमेंट मोड। इनहेंसमेंट मोड में VGS की वैल्यू पॉजिटिव होगी, डिप्लीशन मोड में VGS की वैल्यू जो होगी वो निगेटिव होगी, क्यों होगी वो इसके पहले वाले स्लाइड्स में हमने इसको देखा है। यहाँ भी जब मैं ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स ड्रॉ करूंगा यानी कि आउटपुट करंट वर्सेस इनपुट वोल्टेज VGS, तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स बिल्कुल JFET की तरह आएगी, सिर्फ इतना पोर्शन जो है वो अलग होगा क्योंकि यहाँ पे VGS पॉजिटिव हो गया और इनहेंसमेंट हो गया, तो इस लाइन के यानी कि जीरो से इधर पॉजिटिव वाली जो वैल्यू होगी वो इनहेंसमेंट मोड के अंदर में आएगी, और जीरो से निगेटिव जो वैल्यू होगी वो डिप्लीशन के अंदर में आएगी, इतना क्लियर है। ओके, सो अब इसके बाद हम लोग देखेंगे, इसी को कंपेयर करते हुए हम E-MOSFET की तरफ बढ़ेंगे। ओके, सो इन दिस कंडीशन यानी कि एनहांसमेंट मोड टाइप MOSFET में और उसमें क्या डिफरेंस है, तो आप कंस्ट्रक्शन पार्ट देखिए, कंस्ट्रक्शन पार्ट में एग्जैक्टली सिमिलर कंस्ट्रक्शन है जैसा कि हमारा E-MOSFET का था। आप लोग क्या पता कर पा रहे हो कि क्या मिसिंग है इसमें, उसमें और इसमें क्या डिफरेंस है? यहाँ पे सिर्फ चैनल नहीं है, चैनल यहाँ से गायब है, यानी कि अगर मैं बाकी सब चीजों को देखूं तो यहाँ पे पी सबस्ट्रेट एज इट इज है, ऊपर की तरफ एन टाइप सेमीकंडक्टर, नीचे की तरफ एन टाइप सेमीकंडक्टर मेटल एज इट इज है, लेकिन यहाँ पे चैनल नहीं दिया हुआ है, उसमें चैनल ऑलरेडी पहले से बना हुआ था और यहाँ पे चैनल नहीं बना हुआ है। ये सबसे बड़ा डिफरेंस है किसका, MOSFET यानी कि ई टाइप MOSFET का, इनहेंसमेंट MOSFET का। दूसरा डिफरेंस, इनहेंसमेंट MOSFET में सिर्फ और सिर्फ इनहेंसमेंट होगा यानी कि डिप्लीशन नहीं होगा, इसका मतलब करंट सिर्फ और सिर्फ इनहेंस होंगे, करंट की वैल्यू इंक्रीज होगी, डिप्लीट नहीं होगी। तो अगर JFET से लेके
ई मॉस्फेट तक रिपीट करोगे तो जेफेट में सिर्फ डिप्लीट हो रहा है, डी मॉस्फेट डिप्लीशन मॉस्फेट में डिप्लीट एज वेल एज इनहेंस दोनों हो रहा है, और ई मॉस्फेट में करंट जो है सिर्फ इनहेंस हो रहा है। ओके, तो हम इसी इसको इसकी वर्किंग हम देखते हैं, आगे की तरफ बढ़ते हैं और अब इसकी वर्किंग पे हम आते हैं। यहाँ पे अब इसकी वर्किंग जो होगी वो ध्यान से समझने की कोशिश करना, उसके कंपेयर में क्या डिफरेंसेस है, यानी कि डी मॉस्फेट और ई मॉस्फेट में। अब डी मॉस्फेट में क्या है कि यहाँ पे चैनल नहीं है, पहले से यहाँ पे चैनल नहीं बना हुआ है। मैं इसके पहले वाली स्लाइड पे दोबारा से जाऊंगा, पहले इसको समझाऊंगा इसके बारे में। तो यहाँ पे पहले चैनल नहीं बना हुआ है, अगर चैनल नहीं बना हुआ है और फिर मैं यहाँ पे पोटेंशियल अप्लाई कर रहा हूँ, ओके, पोटेंशियल अगर मैं अप्लाई कर रहा हूँ यहाँ पे, जैसे पहले उसमें अप्लाई किया था कि नीचे की तरफ माइनस और ऊपर की तरफ प्लस, मैंने VDS अप्लाई कर दिया, तो क्या होगा, यहाँ पे माइनस और यहाँ पे प्लस होगा, यानी कि ये जो होगा ये वाला बन जाएगा आपका फॉरवर्ड बायस और ऊपर वाला जो हो जाएगा वो रिवर्स बायस होगा। लेकिन इसकी वजह से इलेक्ट्रॉन यहाँ से जो है वो बाहर निकलने की कोशिश करेंगे और ये इसकी तरफ फ्लो होने की कोशिश करेंगे। लेकिन आप बताओ अगर यहाँ पे कोई चैनल नहीं है तो इलेक्ट्रॉन कैसे यहाँ से बाहर निकल के या इस डिप्लीशन या इस जंक्शन को क्रॉस करके यहाँ तक पहुंचेगा, क्योंकि इसके पास कोई भी चैनल या कोई पाथ नहीं है। तो इस कंडीशन में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन जो है बिना चैनल के कितना भी मैं यहाँ पे VDS अप्लाई कर दूं, VDS अप्लाई करने की वजह से यहाँ पे करंट का फ्लो नहीं हो पाएगा। यानी कि पहली कंडीशन, अगर VGS जीरो होगा, ध्यान समझना, अगर VGS जीरो होगा एनहेंसमेंट मोड में और अगर मैं VDS अप्लाई करूंगा तो करंट नहीं फ्लो होगा, ठीक है, पहली कंडीशन। यानी कि अब तो क्या करना पड़ेगा हमें, तो हम इसमें क्या करेंगे कि पहले चैनल बनाएंगे, यानी कि सबसे पहले मुझे पाथ बनाना है, रास्ता बनाना है इसके लिए, करंट के फ्लो के लिए। ओके, तो कैसे बनाएंगे पाथ देखते हैं, जैसा कि हमने उसमें किया था उसी तरीके से। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे VGS पे जो VGS था यहाँ पे मैं निगेटिव वोल्टेज दे दूंगा, निगेटिव यानी कि ऊपर की तरफ माइनस और नीचे की तरफ प्लस, ये मेरा VGS निगेटिव हो गया। तो जैसे उसमें किया था एग्जैक्टली सेम चीज यहाँ पे करने की कोशिश कर रहा है, और यहाँ पे भी एज इट इज SiO2 की लेयर है और सब कुछ एज इट इज है। तो जब मैं यहाँ पे माइनस ऊपर की तरफ माइनस यहाँ पे पोटेंशियल लगाऊंगा तो क्या होगा, यहाँ पे माइनस इकट्ठा होगा, यानी कि यहाँ पे माइनस चार्ज एकत्रित हो जाएगा, है ना, और माइनस की वजह से क्या होगा, इधर पी टाइप सबस्ट्रेट में जो होल्स हैं, बहुत सारे होल्स हैं, वो क्या होंगे, इसकी तरफ अट्रैक्ट होने की कोशिश करेंगे। दोबारा से मैं इसको इस पोर्शन को रिपीट कर रहा हूं, मैं माइनस की वजह से क्या होगा, होल्स अट्रैक्ट होंगे और होल्स अट्रैक्ट होने की वजह से क्या होगा, और इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे वो उधर की तरफ जाएंगे, तो कभी भी चैनल यहाँ पे नहीं बन पाएगा। यानी कि अगर मैं यहाँ पे VGS निगेटिव रखता हूँ तो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे नहीं जमा हो पाएंगे, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स जो है इकट्ठा नहीं हो पाएंगे, और ये कंडीशन इस केस में लागू नहीं होगी, क्लियर है। यानी कि VGS निगेटिव अगर मैं यहाँ पे लगा दूं तो यहाँ पे तब भी मेरा करंट का फ्लो नहीं होगा। तब करंट का फ्लो कैसे होगा, अब देखते हैं। तो करंट का फ्लो करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे पॉजिटिव VGS लगाएंगे। तो पॉजिटिव जैसे ही VGS में लगाऊंगा, आ रहा समझ में ना, जब मैं पॉजिटिव VGS यहाँ पे अप्लाई करूंगा, VGS की वैल्यू यहाँ पे पॉजिटिव कर रहा हूं मैं, ये ऊपर की तरफ प्लस और नीचे की तरफ माइनस। अब यहाँ पे VGS क्या हो गया, मेरा पॉजिटिव हो गया। तो जब मैं पॉजिटिव VGS अप्लाई करूंगा, ये VGS है जी और एस के बीच में, गेट और सोर्स के बीच में, पॉजिटिव VGS की वजह से जैसा हमने D-MOSFET में देखा था वैसे ही होगा, यहाँ पे प्लस हो जाएगा, ये प्लस आएगा यहाँ पे, यानी कि गेट टर्मिनल के पास में प्लस चार्ज इकट्ठे हो जाएंगे। तो प्लस के चार्ज की वजह से क्या होगा, जो इसमें होल्स हैं वो दूर जाएंगे और जो पी टाइप में इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्या होंगे, इधर की तरफ आएंगे, इलेक्ट्रॉन्स का क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। और जैसे मैं VGS की वैल्यू मैं बढ़ाना शुरू करूंगा तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स इकट्ठा होना शुरू करेंगे, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स जो है वो गेट टर्मिनल की तरफ इकट्ठे होने शुरू करेंगे। तो जब मैं VGS को थोड़ा और बढ़ाऊंगा तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे जमा हो जाएंगे, और जब एक टाइम पे पूरे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से यहाँ तक इकट्ठा करीब करीब हो जाते हैं तो चैनल बन जाती है, और इस प्रोसेस को बोलते हैं इन्वर्जन प्रोसेस। यानी कि तो जब हम VGS पॉजिटिव चार्ज अप्लाई करते हैं तो यहाँ पे एक तरीके से ये इंसुलेटर है बीच में और ये पॉजिटिव चार्ज है ना, यानी कि एक तरीके से कैपेसिटर की तरह बिहेव करता है, और इधर से जो पी टाइप सब्सट्रेट में जो निगेटिव चार्ज होंगे वो इधर गेट की तरफ इकट्ठा हो जाएंगे और इसकी वजह से एक चैनल बन जाएगा। यानी कि जब VGS की वैल्यू इतनी मैं रख दूं, ध्यान समझना, जब VGS की वैल्यू मैं इतनी रख दूं ताकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इस गेट के टर्मिनल के पास में इकट्ठा हो जाए, ओल्ड कंडीशन, ठीक है, और यहाँ से अब इलेक्ट्रॉन अंदर इधर बाहर की तरफ नहीं जा सकता क्योंकि यहाँ पे एक इंसुलेटिंग मटेरियल रखा हुआ है SiO2, ओके,
जब मैं यहाँ पे एक चैनल बन गया, देखो इलेक्ट्रॉन्स की यहाँ पे चैनल बन गई, तब मैं अगर मैं यहाँ पे VDS अप्लाई करता हूँ, यानी कि VDS की वैल्यू जो है इधर माइनस दे देता हूँ यहाँ पे, तो अब ये माइनस और माइनस का रिपल्सन होगा और इलेक्ट्रॉन्स जो है अब यहाँ से फ्लो होके इसकी तरफ जो है वो मूव करना शुरू करेंगे और करेंट का जो फ्लो होगा वो इधर की तरफ हो जाएगा। क्लियर है? फिर से रिपीट कर रहा हूँ मैं, जब मैं यहाँ पे VGS पॉजिटिव रखा जैसे उसमें था, तो क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे इनहेंस हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे, इलेक्ट्रॉन्स का चैनल बन जाएगा। इलेक्ट्रॉन्स की अगर VGS की वैल्यू थ्रेशोल्ड से कम होगी तो अभी इलेक्ट्रॉन्स जो है उतना इकट्ठा नहीं हो पाएंगे, यानी कि चैनल नहीं बन पाया होगा। लेकिन जब VGS की वैल्यू VTH या उससे ज्यादा हो जाएगी तो यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा इकट्ठा हो जाएंगे और यहाँ पे करंट का फ्लो इजीली स्टार्ट हो सकता है। तो जब VGS की वैल्यू VTH से ज्यादा कर दिया हमने, VGS की वैल्यू ग्रेटर देन VTH हो गया, VTH का मतलब थ्रेशोल्ड वोल्टेज, यानी कि वो वोल्टेज जब जहाँ पे की चैनल क्रिएट हो चुका है उसके बाद करूंगा, और इसके बाद मैं यहाँ पे VDS की वैल्यू को अप्लाई करूंगा, यानी कि VDS माइनस से प्लस, तो यहाँ पे करंट का फ्लो स्टार्ट हो जाएगा और जब मैं VDS यहाँ पे बढ़ाते जाऊंगा तो करंट की वैल्यू जो है वो बढ़ते जाएगी। यानी कि इस कंडीशन में सिर्फ इलेक्ट्रॉन का एनहेंसमेंट होगा, अगर मैं यहाँ पे निगेटिव VDS डालूंगा तो करंट फ्लो नहीं हो पाएगा। लुक एट हियर, हमने क्या किया, यहाँ पे VGS की प्लस वैल्यू रखी है और माइनस वैल्यू रखी है, कब, जब ये जो टर्मिनल है यानी कि गेट टर्मिनल पे पॉजिटिव VDS अप्लाई किया मैंने, पॉजिटिव VDS अप्लाई करने की वजह से क्या होगा, यहाँ पे प्लस इकट्ठा हो जाएंगे, दिखाया रखा है यहाँ पे प्लस, और प्लस की वजह से जो इस यहाँ पे ये पूरा पी टाइप का सबस्ट्रेट है, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक, तो पी टाइप के सबस्ट्रेट से होल्स जो है वो बाहर की तरफ रिपेल हो जाएंगे, लेकिन पी में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो क्या होंगे, अंदर की तरफ आएंगे, है ना। तो अगर मैं VGS की पॉजिटिव वैल्यू बढ़ाऊंगा तो इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे इकट्ठा होंगे। पहले यहाँ पे चैनल नहीं है, ध्यान रखना इनहेंसमेंट में यहाँ पे कोई भी चैनल नहीं है, जैसे ही मैंने इलेक्ट्रॉन्स को यानी कि यहाँ पे VGS पॉजिटिव रखा तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अंदर की तरफ आए और एक यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स इकट्ठा हो गए कहाँ पे, गेट टर्मिनल के पास में। और जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे इकट्ठा हो जाएंगे और तब मैं VDS की वैल्यू को अप्लाई करूंगा, यानी कि माइनस से प्लस VDS की वैल्यू को अप्लाई करूंगा, तब यहाँ पे करंट का फ्लो स्टार्ट हो जाएगा। अब आप देख सकते हो कि ये इस तरीके से क्यों है, ये जो है यानी कि ये जो है पीएन जंक्शन क्रिएट हो रखा है। क्यों क्रिएट हो रखा है, क्योंकि देखिए ये पी टाइप मटेरियल है और यहाँ से लेके यहाँ तक ये यहाँ से ये पूरा एन बन गया, क्योंकि ये यहाँ पे इलेक्ट्रॉन इकट्ठा हो गए थे, पूरा एन बन गया, तो एन और पी के बीच में एक जंक्शन क्रिएट हो गया जिसको हम पीएन जंक्शन बोलेंगे। अच्छा, अब जैसे जेफेट में था उस तरीके से यहाँ भी माइनस और ये इलेक्ट्रॉन भी माइनस है, तो माइनस और माइनस की वजह से VDS अगर माइनस रखा है मैंने और ये भी माइनस है, तो माइनस और माइनस की वजह से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का रिपल्सन होगा, लेकिन ये यहाँ पे फॉरवर्ड बायस क्रिएट होगा और ऊपर की तरफ रिवर्स बायस क्रिएट होगा। इतना क्लियर है? तो जब ऊपर की तरफ रिवर्स बायस क्रिएट होगा और मैं VDS को मैं बढ़ाऊंगा यहाँ से, ध्यान रखना VGS की वैल्यू मैंने इतनी रख ली है ताकि यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जमा हो गए हैं, यानी कि VGS की वैल्यू VTH के बराबर, थ्रेशोल्ड वोल्टेज के बराबर रखेंगे, तब जाके यहाँ पे चैनल बन जाएगी और चैनल बनने के बाद ही करंट का फ्लो स्टार्ट हो पाएगा अगर मैं VGS की वैल्यू को बढ़ाता हूँ तब। ओके, तो अभी क्या हो गया, चैनल बन गया, VGS की वैल्यू हमने एक फिक्स कर दी, मान लो VGS की वैल्यू थोड़ा सा VTH से बड़ा कर दिया हमने, ग्रेटर देन VTH रख लिया, और इसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ कि मैं VDS की वैल्यू को बढ़ा रहा हूँ, यानी कि ड्रेन टू सोर्स वैल्यू को बढ़ा रहा हूँ। ड्रेन से सोर्स वैल्यू को मैं अगर बढ़ा रहा हूँ यहाँ पे, तो क्या हो रहा है कि यहाँ पे ये रीजन्स जो है वो फॉरवर्ड बायस की तरह एक्ट कर रहा है और ये जो रीजन्स है वो रिवर्स बायस की तरह एक्ट कर रहा है। तो यहाँ पे जो डिप्लेशन रीजन बनेगा वो ज्यादा होगा और इधर की जो डिप्लेशन रीजन होगा वो कम होगा। तो ये इस तरीके से जो रीजन्स बनेगी, यानी कि इधर की तरह डिप्लेशन रीजन की वैल्यू कम और इधर डिप्लेशन रीजन ज्यादा होगा, यानी कि यहाँ पे पाथ जो है वो धीरे धीरे क्लोज होते जाएगा ऊपर की तरफ, यानी कि डी ड्रेन टर्मिनल पे जब मैं VDS की वैल्यू को बढ़ाऊंगा तो करंट तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, साथ साथ में ये ज्यादा रिवर्स बायस होते जाएगा और ज्यादा रिवर्स बायस होने की वजह से ये जो है यहाँ पे पाथ जो है वो रिड्यूस होते जाएगा, पतला होते जाएगा, और एक टाइम आएगा कि VDS को मैं वैल्यू बहुत ज्यादा बढ़ा दूंगा तो ये पाथ क्लोज हो जाएगा, वो कंडीशन हो जाएगी सेचुरेशन करंट। ठीक है, इतना क्लियर है? यानी कि इस कंडीशन में VGS पॉजिटिव और VDS में पॉजिटिव करूंगा तभी करंट का फ्लो हो पाएगा, जब मैं VGS को निगेटिव रखूंगा तो यहाँ पे चैनल क्रिएट नहीं हो पाएगा क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स इकट्ठे नहीं हो पाएंगे और उसकी वजह से करंट फ्लो नहीं हो पाएगी। तो यानी कि इस केस में सिर्फ इनहेंसमेंट मोड होता है, कब, जब VGS को रखते हैं पॉजिटिव रखते हैं, पॉजिटिव रखने की वजह से यहाँ पे चैनल क्रिएट होता है और चैनल क्रिएट होने की वजह से यहाँ पे करंट का फ्लो होता है। क्लियर है?
तो अब इनहेंसमेंट टाइप मॉसफेट की कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं हम लोग, यानी कि इनहेंसमेंट मॉसफेट की कैरेक्टरिस्टिक्स में और उस कैरेक्टरिस्टिक्स में डिफरेंस देखिए, यानी कि यहाँ पे सिर्फ VGS पॉजिटिव है, ठीक है, VGS पॉजिटिव है और VDS भी पॉजिटिव है, किसके किसके बीच में, ये भी ID वर्सेस VDS के बीच में, यानी कि आउटपुट वोल्टेज वर्सेस आउटपुट करंट। अच्छा, ट्रांसफर वाले पार्ट को हम थोड़ा सा बाद में देखेंगे, अभी इसको देखते हैं। तो इस केस में क्या हुआ, ID पॉजिटिव और VGS भी VDS भी पॉजिटिव, और VGS की वैल्यू को मैं अगर थ्रेशोल्ड, यहां देखना ये कंडीशन, VGS की वैल्यू अगर थ्रेशोल्ड से कम है यानी कि 2 वोल्ट से कम है तो करंट जीरो फ्लो हो रही है, और जैसे ही VGS की वैल्यू थ्रेशोल्ड से ज्यादा होगी यानी कि 3 वोल्ट के आसपास होगी तो करंट का फ्लो स्टार्ट हो गया, यानी कि VGS की वैल्यू को मैं बढ़ाते जाऊंगा यहाँ पे VGS की वैल्यू को, तो करंट की वैल्यू ID करंट जो होते जाएगी वो बढ़ते जाएगी, क्लियर है। अब आते हैं ID वर्सेस VDS, इस कंडीशन को देखिए, पहले वाली जो VGS 8 वोल्ट है, मान लो कि VGS को 8 वोल्ट पे मैंने फिक्स कर दिया है, ओके, जब VGS को मैंने 8 वोल्ट पे फिक्स कर दिया है और इसके बाद मैं VDS को वैल्यू को बढ़ाता हूं, तो क्या होगा, यहां पे वैल्यू जो है वो बढ़ते जाएगी, साथ साथ में क्या होगा, डिप्लीशन रीजन भी ड्रेन साइड में बढ़ते जाएगा, और एक समय जब आएगा जब डिप्लीशन रीजन करीब करीब बिल्कुल क्लोज हो जाएगा, यानी कि ये पोर्शन, और इस पोर्शन के बाद ID की वैल्यू क्या हो जाएगी, सेचुरेट हो जाएगी। तो ये यहां से यहां तक का रीजन क्या कहलाया, सेचुरेशन रीजन, और ये रीजन क्या कहलाया, ये ओमिक रीजन कहलाया, यानी कि इस केस में सिर्फ और सिर्फ इनहेंसमेंट हो रहा है, यानी कि VGS की वैल्यू को मैं बढ़ा रहा हूं तो करंट जो हो रहा है वो इनहेंस हो रहा है, इसीलिए ये इनहेंसमेंट टाइप मॉस्फेट कहलाता है। अब इसी को ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं यहाँ पे, अब ये इसको हमने उल्टा यानी कि इसको ऐसे बना रखा है एक ही साइड में, क्यों, क्योंकि यहाँ पे VGS भी पॉजिटिव है और ID भी पॉजिटिव है, यानी कि इनपुट वोल्टेज वर्सेस आउटपुट करंट। अब जब देखना ये 2 वोल्ट को ध्यान से देखो, VT थ्रेशोल्ड वोल्टेज तक जब VGS की वैल्यू VT के बराबर है तब करंट जीरो फ्लो हो रही है, कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा, उस केस में क्या हो रहा है, सिर्फ चैनल क्रिएट हो रहा है अभी, है ना, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स इकट्ठे हो रहे हैं, और उसके बाद से जब मैं वोल्टेज अप्लाई करना शुरू करता हूँ, बढ़ाना शुरू करता हूँ, तो जैसे जैसे मैं वोल्टेज बढ़ाना शुरू करता हूँ, यानी कि पीएन जंक्शन डायोड की कैरेक्टरिस्टिक की तरह ये करंट की फ्लो जो है वो बढ़ना शुरू होता है। तो ये हो गए ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स यानी कि गेट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पीएन एनहांसमेंट टाइप मॉस्फेट ऑफ एन चैनल। अब एन चैनल एंड पी चैनल में क्या डिफरेंसेस आएंगे, एन चैनल एंड पी चैनल में जो डिफरेंस होगा, ओके, जस्ट approximately I will take 5 minutes। तो P type MOSFET में क्या हुआ, ऊपर की जो चैनल बनाना है हमें वो P का चैनल बनाना है, तो ये P हो जाएगा, ये भी P का ये हो जाएगा, लेकिन जो सबस्ट्रेट होगा वो किसका होगा, N का होगा, इसमें भी ऊपर की तरफ ड्रेन, नीचे की तरफ सोर्स होंगे, बीच में जो हमारा वो गेट टर्मिनल होगा, और यहाँ भी SiO2 की लेयर होगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इसमें जो हम वोल्टेज अप्लाई करेंगे, ध्यान रखना, तो जो VDS वोल्टेज होगा D और S के बीच में, ये जो वोल्टेज होगा, क्योंकि यहाँ पे प्लस है, P है पॉजिटिव, तो यहाँ पे मुझे प्लस वोल्टेज अप्लाई करना पड़ेगा, यानी कि N टाइप MOSFET में हमने VDS को पॉजिटिव रखा था, लेकिन इसमें P टाइप में VDS क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, क्लियर है, यानी कि जो भी वहां पे करंट का फ्लो जिस तरीके से हो रहा था जस्ट उसका उल्टा हो जाएगा, और इसमें इसका मतलब है कि VDS की वैल्यू क्या आएगी, नेगेटिव, और ID जो होगा वो तो पॉजिटिव होगा ही होगा, यदि करंट पॉजिटिव लेते ही लेते हैं, है ना, तो इसका मतलब ID वर्सेस VDS होगा, लेकिन इसमें क्या कर रखेंगे, देखो डिप्लीशन MOSFET में VGS को हमें पॉजिटिव उल्टा जस्ट उल्टा हो जाएगा, यानी कि जब मैं VGS यहाँ पे पॉजिटिव रखेंगे तो क्या होगा, करंट जो होगी वो डिप्लीट होगी इसमें P MOSFET में, और VGS को जब मैं निगेटिव रखूंगा तो यहाँ पे इनहेंस होगी, कब, P टाइप डिप्लीशन MOSFET में, और इसका जो ग्राफ बनाएंगे वो ग्राफ ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स का, उसमें VGS की वैल्यू पॉजिटिव रखेंगे तो यहाँ से यहाँ तक मेरा जो होगा वो डिप्लीशन MOSFET आएगा, डिप्लीशन टाइप आएगा, और जब यहाँ से यहाँ तक का रीजन यानी कि जब मैं निगेटिव रखूंगा तो इसकी वैल्यू जो होगी वो क्या हो जाएगी, इनहेंसमेंट के टर्म्स में आ जाएगी, क्लियर है, यानी कि सिंपल वर्ड में अगर कहा जाए तो ये एग्जैक्टली रिवर्स होता है किसके, एन चैनल की तरफ, है ना, और सिर्फ यहाँ पे जो वोल्टेज पोलरिटीज एंड करंट डायरेक्शन को क्या कर देते हैं, रिवर्स कर देते हैं, करंट डायरेक्शन का मतलब करंट का उसमें आईडी जो है नीचे की तरफ फ्लो हो रही थी और इसमें जो है आईडी ऊपर की तरफ फ्लो। तो इस तरीके से हमने आज डिप्लीशन MOSFET, इनहेंसमेंट MOSFET का कंस्ट्रक्शन, वर्किंग और उसकी